नमस्कार, न्यूज क्लिप में आपका स्वागत है। जैसा कि अब कल से ही हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से अकोले से लेकर लोणी तक किसान मार्च, पैदल मार्च रखा गया था, जिसमें हजारों हजारों की संख्या में किसान पैदल चल रहे थे। तो कल उनका पहला पड़ाव था, जिसके बाद ही सरकार दबाव में आई और उसने वार्ता के लिए किसानों से आग्रह किया और उनसे आज एक दौर की वार्ता हुई। उसके बाद सरकार के मंत्री खुद यहाँ पहुँचे और उन्होंने इनसे अपना आंदोलन और ये जो मार्च है इसको वापस लेने की मांग की, जिसको मानते हुए किसानों ने अपना आंदोलन वापस कर लिया। तो इस पूरे लॉन्ग मार्च की अगुवाई करने वाले अजीत नवले, अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव, हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वार्ता में क्या निकला और लोग क्या डिमांड थी और कहाँ तक वो मांगे पूरी हुई। अजीत नवले साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ क्लिक में। धन्यवाद। ये जो मार्च में आप लोग क्या बातचीत हुई, किस तरह की बातचीत रही मंत्री साहब के साथ और क्या निकला हल उसका, जो मार्च आप लोग कल से लेकर यहाँ तक निकले थे? देखिए, किसान सभा लगातार संघर्ष कर रही है। ये चौथा लॉन्ग मार्च है और उससे पहले एक फार्मर स्ट्राइक महाराष्ट्र में हुआ, जो एक हिस्टोरिकल स्ट्राइक था। इसके चलते बहुत सारी मांगों को पहले भी मान लिया गया है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में लगातार दिक्कतें आ रही थी। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, जिस प्रकार की खरीद फरोख MLAs की करके ये आमदार और बाकी सब चीज़ें हो रही है, तो उसके चलते इन मांगों की ओर एक प्रकार से दखल अंदाजी नहीं हो रही थी, एक प्रकार से उसको इग्नोर किया जा रहा था। हमने इस आंदोलन के चलते सरकार को बाध्य किया कि आपको किसानों की मांगों की ओर ध्यान देना पड़ेगा, जो मांगे आपने मानी है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। एक दबाव इसके चलते बना, अकोला से हजारों हजारों किसान यहाँ तक चलते आए, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से लोग जुटे, दबाव बना और सरकार को इंटरवेन करना पड़ा, मुख्यमंत्री को इंटरवेन करना पड़ा, तीन मंत्री उनको यहाँ पे भेजना पड़ा। आके लोगों के सामने उन्होंने बताया कि जिन मांगों को हमने पहले मान लिया है उसका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो नई मांगे आपने रखी है उसको भी हम मानेंगे और किसानों को और उसके साथ आशा कर्मचारी है, आंगनवाड़ी कर्मचारी है, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर है या हमारे मध्यान्ह भोजन के कर्मचारी है, इन सबको जो मांगे हैं तो उनको न्याय हम देंगे। इस बात को यहाँ आके उनको रखना पड़ा, कुछ कानून बनाने की बात भी उनको करनी पड़ी। इसी जैसे कि टेम्पल लैंड का जो इशू है उसके चलते जो कानून बन रहा है उसमें किसानों के हित का पूरा ख्याल रखा जाएगा, इस बात को मानना पड़ा। हमारा दूध उत्पादक किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, जिसके चलते दूध उत्पादक किसानों को FRP का संरक्षण मिले और बाकी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उनकी जो लूट शुरू है तो उसको रोका जाए, इसके लिए कानून बने, इसकी मांग हम लगातार कर रहे हैं। उसकी एक कमेटी बनाई गई है, किसान सभा के भी दो कैंडिडेट उस कमेटी में लेने की बात उन्होंने आज रखी है। वो दोनों कौन कैंडिडेट होंगे वो किसान सभा तय करेगी, लेकिन दूध उत्पादकों को भी न्याय देने की कोशिश हमने की है। प्याज का मसला लगातार महाराष्ट्र में होता आ रहा है, उन किसानों के बारे में कुछ घोषणाएं पहले आंदोलन में हुई थी उससे पूरी राहत किसानों को नहीं मिली है, उस बारे में भी आज चर्चा हुई। ये कुल मिला के किसान और मजदूर इनकी बुनियादी जो मांगे हैं उनकी ओर किसानों सरकार का ध्यान आकर्षित करके उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने का काम इस आंदोलन ने किया है। अगर जो मांगे उन्होंने आज मानी है, अगर उन मांगों की वादा खिलाफी अगर सरकार करती है तो हम फिर से लड़ेंगे, इस बात का उनको भी एहसास है। हम लड़ने वाले लोग हैं, जोरदार एक हिस्ट्री इतिहास हमारा रहा है किसान सभा का लड़ने का, तो उसके चलते उन पे दबाव है, वो दबाव हम बरकरार रखेंगे और किसानों को राहत देने की पूरी कोशिश हम करते रहेंगे। हम लोग लॉन्ग मार्च पहले से भी कई कवर किया, हर लॉन्ग मार्च के बाद हमने ये बात देखा सरकार आपकी हर बात मान लेती है, पिछले तीन मार्च लॉन्ग मार्च का तो यही अनुभव है और उसके बाद कुछ समय बाद फिर दिखता है जो सरकार इस वादों से होकर जाती है, फिर एक बार आपको लॉन्ग मार्च करना पड़ता है, इस बार फिर उस तरह की बात हुई है, तो इसको आप कैसे, क्योंकि मैं आप बातचीत में थे आपको पता चलता है जो उसका रिएक्शन कैसा है, किस तरह से बातचीत हुई है और कन्वे कैसे करते हैं आप लोगों को, जो इस बार एक बार फिर आए फिर वापस गए, उनको क्या मिला इस मार्च से? देखिए, कोई भी आंदोलन 100% सक्सेसफुल नहीं रहता, उसी प्रकार कोई भी आंदोलन 100% अनसक्सेसफुल भी नहीं रहता। हर एक आंदोलन में कुछ ना कुछ चीज़ें लोगों के हक में हमने पाई है। पहला जो हिस्टोरिकल स्ट्राइक हुआ, 34,000 करोड़ की कर्जा माफी महाराष्ट्र में किसानों को दिलाने का काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, उससे किसानों का हौसला बनता है कि चलो जाएंगे लड़ेंगे कुछ प्राप्त करेंगे। दूध उत्पादक किसानों को मैंने कहा कि राहत देने का काम लगातार हमने किया, उसके चलते कुछ इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी किसानों को देने में हम कुछ कामयाब हुए।
टेम्पल लैंड का इशू है, कानून बनाने की बात करने तक हमने उस लड़ाई को आगे लेके जाने में हम कामयाब हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पाई है, किसानों ने पाई है, उसका उससे इस किसानों के बीच लड़ने का जुनून बढ़ता है, वो बढ़ा है, आपने देखा है। लेकिन ये जो न्यू लिबरल पॉलिसी है जिसके तहत अलग अलग चीज़ें बार बार उभर के आएगी, नए सवाल बनेंगे, नई बीमारियां सामने आएंगी, उसका मुकाबला करने के लिए किसान सभा को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। नए सवाल आते हैं तो हम फिर से जुटते हैं, फिर लड़ते हैं और कुछ फिर प्राप्त करते हैं, किसानों को राहत देते हैं। तो ये लंबी प्रक्रिया चलेगी, हम उसके लिए तैयार है। जब तक प्रो फार्मर पॉलिसी नहीं आती है, जब तक हम एक अल्टरनेटिव पॉलिसी की जो बात करते आए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक पॉलिटिकल ताकत नहीं बनती है, ये चलता रहेगा, इसके लिए हम तैयार है। तब तक चलेंगे जब तक सूरज नहीं दिखेगा, सूरज की रोशनी जब तक नहीं दिखेगी हम लड़ेंगे और साथ आगे बढ़ेंगे। इस मार्च का जिसे आप किसानों के साथ थे, तो इसका आम पब्लिक के लिए किस तरह का संदेश है, जो यहाँ से महाराष्ट्र से दूर कहीं और, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में संघर्ष होते रहते हैं, उसके लिए क्या संदेश है? देखिए, आपने देखा कि जब आंदोलन चलता है, ये आंदोलन नहीं, कोई भी आंदोलन जब चलता है तो उन मांगों को तो वो आगे ले जाता है, लेकिन पूरे समाज को उसमें सम्मिलित करके एक आंदोलन समाज के दिलों में भी बढ़ता है और उनके दिलों में ये बात बढ़ती है कि हम पे अगर अन्याय होता है तो चुप रहना ये उसका सवाल नहीं है। खुदकुशी करना किसानों के लिए उसका हल नहीं है, हल है लड़ना, लड़ने की उम्मीद हजारों हजारों लोगों के बीच आंदोलन लेके जाता है। मुझे लगता है कि ये आंदोलन की प्रमुख भूमिका रहती है, समाज को आगे ले जाने वाली भूमिका। उस हिसाब से सारे आंदोलन बहुत ही लाभदायी हुए हैं, ये हमारी एक प्रकार से इस आंदोलन की खासियत है। आगे और उसको हम डेवलप करेंगे और नए सिरे से किसानों के लिए हम लड़ते रहेंगे। मंत्री, जिस तरह से आपके आंदोलन में, उसकी क्या मंत्री आमतौर पर किसान जाते हैं उनसे बात करने उनके ऑफिस, इस बार हम देखा मंत्री आप लोगों के बीच में आके अपनी बात रखी और उन्होंने कहा जो आप लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं अपना मार्च वापस ले लीजिए, इसको आप किस तरह से देखें? देखिए, जब जनता इकट्ठा होती है, हजारों की तादाद में चलती है और उसका नेतृत्व एक ऑर्गेनाइजेशन जो बुनियादी सवालों पर और एक अल्टरनेटिव पॉलिसी के चलते बनी है वो उसका नेतृत्व करती है, तो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस पूरे जनता में बनता है और एक दबाव बनता है जिसके चलते सरकार कितनी भी खुकार हो, कितनी भी जनविरोधी हो, उसको झुकना पड़ता है। ये कोई पहली बात नहीं है। अगर किसान सभा का इतिहास पूरे देश भर में आप टटोलोगे तो हजारों बार इस प्रकार को इतिहास को दोहराया गया है। लोग जुटे हैं और सरकार को झुकाया गया है, ये हमारी एक बहुत बड़ी लीगेसी है किसान सभा की, हम उसको बस थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। ये थे अजीत नवले, जिनको आपने सुना। ये जिस तरह से बता रहे हैं, हर मार्च में, हर संघर्ष में कुछ ना कुछ जीत मिलती है, इस संघर्ष में भी इनको आगे के संघर्षों के लिए मोटिवेशन और साथ में सरकार जो इनकी पुरानी बहुत लंबी मांगे थी उसको धरातल पर किस तरह से लागू किया जाएगा, इसके मंत्री के साथ बातचीत में ये तय करके आए हैं। और अगर इन्होंने साथ साथ कहा अगर बात इनकी पूरी नहीं मानी जाती, सरकार इनको लागू नहीं करती ज़मीन पे, तो एक बार फिर ये लोग सड़कों के थ्रू आंदोलन करने को तैयार हैं। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।